दिल्ली के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद पूरा देश स्तब्ध में पड़ा हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनके ऊपर जांच का तलवार लटक गया है। इस मामले को लेकर बिहार में भी कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो जांच के घेरे में आ गए हैं। पटना में भी नया टोला से लेकर बिखरा पहाड़ी तक के 30 से 35 कोचिंग संस्थान में SDM खुद पहुंचे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। खानसर के कोचिंग संस्थान पे भी SDM जांच पड़ताल करने पहुंचे थे। कई सारी सेफ्टी जो है वो खान ग्लोबल क्लासेस में मौजूद नहीं था। SDM का जांच पड़ताल हुआ है और खानसर का कोचिंग भी जांच के घेरे में आ गया है। क्या हो गया है, मतलब कुकुर मुत्तों की तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और पटना के कुछ इलाके हैं जैसे मुसल्लापुर है, भिखना पहाड़ी, ये तो पूरे के पूरे इलाके मुझे लगता है कोचिंग संस्थानों से ही चल रहे हैं, भरे पड़े। पटना में भी मोटा मोटी वही हालत है, यहाँ भी देखिए मुझे लगता है जो 19,000 यहाँ कोचिंग संस्थान है, 90% कोचिंग संस्थान तो निबंधित नहीं होंगे, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऐसे ही हवा में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। कि ये जो हो गया है कोचिंग संस्थान का जो खेल हो गया, इसमें इतना पैसा है, इतना मुनाफा है कि ये लोग बिल्कुल, अब तो ऐसा हो गया 2-4 साल से आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान वाले हैं वो बिल्कुल बॉलीवुड हीरो हीरोइन की तरह काम करने लगे हैं, है ना, कोई कपिल शर्मा के शो में जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आपके साथ मानसी। दिल्ली के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद पूरा देश स्तब्ध में पड़ा हुआ है। जी हाँ, बात करें अगर दिल्ली के कई कोचिंग संस्थान पे, तो दिल्ली के कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनके ऊपर जांच का तलवार लटक गया है। तो वहीं उस मामले को लेकर बिहार में भी कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो जांच के घेरे में आ गए हैं। खुद SDM कोचिंग संस्थानों पर पहुँच कर देख रेख और सेफ्टी का जो भी जाँच पड़ताल है वो कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना की अगर बात करें तो पटना में भी नया टोला से लेकर बिखरा पहाड़ी तक के 30 से 35 कोचिंग संस्थान में SDM खुद पहुंचे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम खानसर के कोचिंग के पास मौजूद हैं। आप पीछे देख रहे होंगे कि पोस्टर में लगा है खान ग्लोबल स्टडीज UPSC BPSC बाई खान सर एंड टीम। तो ये भी बता दिए कि खानसर के कोचिंग संस्थान पे भी SDM जांच पड़ताल करने पहुंचे थे, पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल करने पहुंचे थे, जिसको लेकर कई सारी सेफ्टी जो है वो खान ग्लोबल क्लासेस में मौजूद नहीं था। जी हाँ, फायर इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो वो भी नहीं थी, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो थे वो भी मौजूद नहीं थी। फायर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होता है वो भी कोचिंग संस्थान में नहीं थे। खुद SDM खानसर की कोचिंग में जांच पड़ताल करने पहुंचे, जिस वक्त जो है उस वक्त हड़कंप मच गया। फिलहाल आपको बता दें कि इस इंस्टीट्यूट में भी ताला लगा है, अभी बंद है, क्योंकि जाँच के घेरे में कई सारे कोचिंग संस्थान आ गए हैं। क्योंकि 3 बच्चों की जो मौत हुई है, जिसको लेकर जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। ऐसे में खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर में भी पुलिस प्रशासन और SDM का जांच पड़ताल हुआ है और खान सर का कोचिंग भी जांच के घेरे में आ गया है। कई सारा जो सर्टिफिकेट होता है या इक्विपमेंट्स होते हैं वो SDM ने मांगा है और खान सर ने एक दिन का समय लिया है पूरे कागजात को दिखाने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि कोचिंग में ताला लगा है, कोचिंग अभी बंद है। जांच करने पर और पूछने पर ये भी पता चला है कि कोचिंग संस्थान जो है वो सोमवार को खुलेंगे। तो आगे में उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी वो ज़रूर पता चलेगा और हम आपको ज़रूर बताएंगे। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि दिल्ली कोचिंग संस्थान का जो मामला है, इससे पूरे देश में मामला पूरा गरमाया हुआ है। ये सही बात आपने कही, ये मामला 27 जुलाई का है और दिल्ली में एक इलाका है ओल्ड राजेंद्र नगर, वहीं पर एक राव का IAS कोचिंग सेंटर चलता था और काफ़ी बड़ा नाम है राव कोचिंग की दुनिया में, और उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी। मैं दर्शकों को बता दूं, बेसमेंट का मतलब तहखाना हुआ, जो ज़मीन से नीचे का हिस्सा रहता है। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी, इसमें 25-30 लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे थे, और उस दिन बहुत बारिश हुई थी दिल्ली में, तो अचानक बारिश का पानी बेसमेंट में घुस गया और जो दरवाज़ा था वो बायोमेट्रिक लॉक वाला था, तो दरवाज़ा बंद हो गया। वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक हो गए, वो बंद था और ये लोग उसे खोल नहीं सके, मतलब अफरा तफरी में, और उसका एक तरह से ये लोग कैद हो गए। जब तक इन लोगों को मदद आती, मतलब पंप से पानी निकाला गया, फिर गोताखोरों को बुलाया गया, कुछ को बचाया भी गया, लेकिन 3 उसमें लड़के लड़कियां मर गए। 2 लड़कियां थीं, श्रेया यादव और तान्या सोनी,
और एक लड़का था डेलविन, तो बहुत दुखद यह है। बताइए कोई यूपीएससी की परीक्षा देने गया इस तरह से पानी में डूब के मर जाए, तो पूरे देश में हंगामा है, संसद से सड़क तक होना भी चाहिए, तो बहुत बड़ा खंड है। और फिर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। उसके बाद दिल्ली नगर निगम है एमसीडी जो है, उसने वहाँ 13 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है, जिनके ऐसे ही लाइब्रेरी चल रहे थे या क्लासरूम चल रहे थे बेसमेंट में, जिसमें एक बड़ा नाम है दृष्टि आईएएस, आप जानते होंगे, विकास देवी कीर्ति का है, काफ़ी बड़ा नाम है, उसको भी सील किया गया है। और काफ़ी हंगामा है उसका। देखिए पटना में भी हंगामा पहुँचा, तो यहाँ जो डीएम है, जिलाधिकारी है, उन्होंने आदेश दिए कि अनुमंडल वार मतलब सब डिवीज़न के हिसाब से यहाँ भी कोचिंग संस्थानों की जांच होगी। दर्शकों को जानने का आश्चर्य होगा कि पटना में लगभग 19,000 कोचिंग संस्थान है। मतलब 19,000 कोचिंग संस्थान है पटना में से, क्या हो गया है? मतलब कुकुर मुत्तों की तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। और पटना के कुछ इलाके हैं जैसे मुसल्लाहपुर है, भिखना पहाड़ी, ये तो पूरे के पूरे इलाके मुझे लगता है कोचिंग संस्थानों से ही चल रहे हैं, भरे पड़े हैं, काफ़ी कंजेस्टेड जगह है वो, बहुत कंजेस्टेड। और उसके बाद देखिए क्या हो गया है कि उसी के बाद ये सब छापा पड़ना शुरू किया। आपने आप कहा कि खान सर की कोचिंग जनरल स्टडीज़ पर आज मतलब ये खबर आ रही है कि सील कर दिया गया है, नोटिस चिपका दिया गया है, क्योंकि उसके कहा गया कि सारे मानकों पर ये खरे नहीं उतरते हैं। अभी और भी ये सब होगा। लेकिन दुख की बात देखिए क्या है कि इस देश में होता है ना कि जब आग लग जाती है तब लोग कुआं खोदना शुरू करते हैं, पहले से कुछ नहीं होता है। दिल्ली में ही जो एमसीडी के कानून है, नगर निगम के कानून है, वो स्पष्ट कानून है कि किसी भी बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते आप, मतलब कमर्शियल पर्पज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए बेसमेंट का इस्तेमाल नहीं किया सकता है। लेकिन आप पूरे दिल्ली में देखें, कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ भी दें तो कम से कम सैकड़ों रेस्टोरेंट वहाँ है जो बेसमेंट में चलते हैं, खुलेआम जो कहते हैं ना, एकदम खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है, पदाधिकारी लोग जिन पर कानून को लागू करने का ये है जिम्मा है, इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उन लोग को अपना रेगुलरली पैसे मिलते रहते हैं और लोग आँख मूंद के बैठे रहते हैं। पटना में भी मोटा मोटी वही हालत है। यहाँ भी देखिए मुझे लगता है जो 19,000 यहाँ कोचिंग संस्थान है, 90% कोचिंग संस्थान तो निबंधित नहीं होंगे, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऐसे ही हवा में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। जब कोई कांड हो जाएगा, उनकी खोज की जाएगी, तो पता चला कि तो कोई अता पता ही नहीं, संचालक फरार हो गया है और कागज़ पर कोई है ही नहीं। जो बच भी गए वहाँ भी वही स्थिति होगी कि मतलब ना कोई आग लगने पर कुछ ठीक से निकास का होगा। एक एक कमरे में देखिए दिल्ली में खबर आ रही, एक एक बेसमेंट में 800 लड़के लड़कियाँ। अब मान लीजिए जैसे पटना में, अब देखिए पटना जोन 4 में आता है भूकंप के, मैं देखिए नागरिक सुरक्षा में रह चुका हूँ, भूकंप के हिसाब से जोन 4 में पटना आता है, जो एक बहुत मतलब डरावनी चीज़ है। पटना में बहुत बड़े भूकंप आ सकते हैं। एक कल्पना बस कीजिए कि एक बार यहाँ भूकंप आ जाता है और कोचिंग क्लासेस चल रहे होते हैं, तो सिर्फ उसे भगदड़ में 500 लोग मर जाएंगे। तो ये सब हो रहा है। और दुख की बात है कि ये भी जो सक्रियता है प्रशासन की ना, ये दो से तीन दिन तक रहेगी, 2-3 दिन तक ऐसे उछल कूद लोग मचाएंगे, फिर तब तक कोई नई घटना हो जाएगी, फिर सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे, मीडिया भी उसके पीछे, प्रशासन भी उसके पीछे, और ये पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। फिर जो कोचिंग संस्थान बंद, बिल्कुल ढाक के 3 पात हो जाएगा, फिर कोचिंग संस्थान जो बंद किए हैं खुल जाएंगे, जिनको नोटिस दिया गया है वो फाइल बंद हो जाएगी, सब पूर्ववत हो जाएगा। जी सर, एक सवाल मेरा आपसे और ये होगा कि खान सर की कोचिंग में भी बहुत बच्चे पहुंचते हैं और उनकी दो जगह शायद क्लासेस भी चलती है, एक बोरिंग रोड में है और एक शायद भिखना पहाड़ी तरफ उनकी कोचिंग संस्थान है। और खान सर तो ऐसा कहते हैं कि वो सारे कुछ के साथ जो अपना कोचिंग संस्थान है, पूरे सर्टिफिकेट, पूरे फायर इक्विपमेंट, हर चीज़ के साथ जो कोचिंग है वो चलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब आज SDM जाँच करने पहुँचे हैं तो काफ़ी सारी जो सेफ्टी है वो कोचिंग संस्थान में उनके नहीं बढ़ती। नहीं, सही है। देखिए मैं किसी एक व्यक्ति पर नहीं बोलना चाहता, मैं पूरा इन जनरल कह रहा हूँ कि ये जो हो गया है कोचिंग संस्थान का जो खेल हो गया, इसमें इतना पैसा है, इतना मुनाफा है कि ये लोग बिल्कुल अब तो ऐसा हो गया, 2-4 साल से आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान वाले हैं वो बिल्कुल बॉलीवुड हीरो हीरोइन की तरह काम करने लगे हैं, है ना। कोई कपिल शर्मा के शो में जा रहा है, एक लेडी है कोचिंग चलाती है मुखर्जी नगर में, मैंने देखा वो जयपुर में गई हुई है, खुली गाड़ी में जा रही है, उसके स्टूडेंट्स नाच रहे हैं, मतलब लग रहा है जैसे कि कोई जैसा भोकाल होता है किसी हॉलीवुड के स्टार का या बॉलीवुड के स्टार का, वैसा है। तो एक मतलब इतना ज़्यादा ब्रांडिंग पर ये लोग खर्च कर रहे हैं, ब्रांडिंग पर खर्च कर रहे हैं, और इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है। आज मैं वही सोच रहा था, मैं IPS में पहले अटैम्प्ट में बना और इतना ऊंचा रैंक था कि मुझे होम कैडर मिला, और मैं दरभंगा जैसे छोटे शहर में रहता था और कोई कोचिंग मैंने नहीं की, कोई
कोई कोचिंग नहीं की। और पहली बार मैं जब दिल्ली पहुंचा तो यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया, उसके पहले दिल्ली का चेहरा मैंने नहीं देखा था, है ना। तो मैं, और ये उस ज़माने की बात है जब ये सब इंटरनेट, विकीपीडिया, गूगल उगल कुछ नहीं था। दरभंगा जैसे छोटे शहर में जहाँ मुश्किल से 4 घंटे बिजली आती थी, वहाँ किताबों से पढ़ के हमने किया। लेकिन आजकल इन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि लगता है कि आपको मोक्ष प्राप्ति होगी ही नहीं बिना कोचिंग संस्थान में गए हुए। यदि मोक्ष प्राप्ति समझ लिया जाए यूपीएससी या बीपीएससी में सफलता है, इस यही छात्रों का तो यही मोक्ष है। तो इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है देश में कि लगता है कि यहाँ गए बिना तो मोक्ष प्राप्ति होगी ही नहीं। और पेरेंट्स पर दबाव होने लगा है। अब यदि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जाने लगेंगे तो पेरेंट्स पर दबाव होगा। जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो महानगरों में अपने बच्चे को भेज सके, वो भी इधर से कटौती करके, उधर से काट के, उधर से कटौती करके भेज रहे हैं, है ना। क्या करें, ये लोग अपना पैसा कमा रहे हैं और मतलब मामूली नहीं कमा रहे, एकदम पीट कर कमा रहे हैं। अब बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूट है आप देखिएगा कि उसके तो एकदम कॉरपोरेट की तरह चल रहा है। कई कई शहरों में उसके ब्रांचेज हैं, फिर एक जगह ब्रांच है तो उसके वहाँ पर 5 सेंटर्स हैं। तो एकदम जो होता है ना कि कॉरपोरेट की तरह एक CEO ऊपर में बैठे हुए हैं और बिल्कुल चकाचौंध वाली कोचिंग की दुनिया हो गई है जी। सर आपको क्या लगता है कि ये सब में सुधार कब तक आएगा? देखिए मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता। इस देश में जो सिस्टम है ना इतना ध्वस्त हो चुका है ना कि मैं कोई, अभी आप देखिए अभी 1 महीने पहले हाथरस में भगदड़ मची ना यूपी में, 125 लोग मरे ना, 113 महिलाएं मर गई। एक ढोंगी बाबा का सत्संग था, 1-2 दिन तक पूरा रहा कि अब तो वहाँ बुलडोजर चल जाएगा, योगी बाबा उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको देख लेंगे, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, उसको उखाड़ फेंकेंगे। क्या हुआ, वो खूनी बाबा आज की तारीख में भी नहीं पकड़ा है। फिर जब कल भगदड़ मचेगी तो फिर हंगामा होगा, और होगा कुछ नहीं। तो देखिए ये 1-2 रोज़ की बात होगी, फिर 1-2 रोज़ में कोई नई घटना घट जाएगी, फिर सब लोग उधर दौड़ेंगे, ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, ये हाथरस भगदड़ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं रखता और ये इस देश का दुर्भाग्य है जी। तो आपने सुना कि पूर्व IPS अमिताभ दास सर ने हमें क्या कुछ बताया। इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि आजकल कोचिंग संस्थान ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई कॉरपोरेट सेक्टर की जो कंपनी है वो चल रही है। हालांकि देखना ये होगा कि ये जो कोचिंग सेंटरों पर गाज गिरी है इसमें क्या कार्रवाई होती है और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं क्या उसके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। खान सर ने भी 1 दिन का समय मांगा है कि हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, लेकिन आगे देखा जाएगा कि इस पर क्या कुछ होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।